हेलो नमस्ते फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त लव सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे रार फाइल मोबाइल से कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रार फाइल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर विनरार रार सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है रार। स्पेलिंग देख लीजिए दोस्तों, RAR, रार। जैसे ही सर्च करके आप क्लिक करेंगे और आए देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा है ये रार फाइल का, तो इसको डाउनलोड कर लेना। तो अभी देखिए ये डाउनलोड के ऑप्शन पे यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है, तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर ली, इस वजह से यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। अब आप डाउनलोड या इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस एप्लीकेशन को मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। चलिए फटाफट से इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन पे क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा फाइल खुल गया। यहाँ से आप फाइल को चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, SD कार्ड या डाउनलोड जिस फोल्डर में है आपका, उस पर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अभी जाना है जहाँ पे आप अपने कोई सा फोल्डर को, जो फोल्डर को आपको रार में कन्वर्ट करना है, तो वो फोल्डर को क्लिक कर दो। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ से एक माई इमेज पे एक फोल्डर बना के रखा है, इसको मुझे रार पे कन्वर्ट कर। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ आपके बगल में एक डब्बे का आइकन दिख रहा है फोल्डर के जस्ट बगल। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मुझे, मैं अपना फाइल जो है माई इमेज के नाम से, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे तीन डॉट है, उसके बीच में एक लंबा सा लकीर है, नीचे प्लस का सिंबल, तो इस वाले पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक ऑप्शन आपको पूछा जाएगा, रार फाइल में कन्वर्ट करते हैं जीप फाइल में या। देखिए दोस्तों, बहुत से यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो आप यदि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप खुद कर सकते हैं कैसे कैसे फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो फिलहाल मैं अपने जो अभी रार फाइल में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, तो चलिए मैं जीप में या रार में ही रहने देता हूँ। उसके बाद यदि आपको पासवर्ड सेट कर, तो आप यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दे देते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे डब्बे में लिखा हुआ है, दो डब्बा है, अब नीचे लिखा हुआ है डिलीट फॉल्ट एफ्टर, यानी ये है, ये आपसे ये पूछ रहा है कि जैसे कि आप रार फाइल से बाहर करें तो वो रार फाइल जो है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा फाइल में कन्वर्ट होने के बाद। तो यदि आपको करना है तो उस पर क्लिक कर दी, वो जैसे कि आप रार फाइल को अनजिप करेंगे तो वो आपका पहले वाला जो रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए मैं दोस्तों इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ रार फाइल पे देखिए, रार या जिप पे आप जिस जो फाइल में आपको कन्वर्ट करना, चलिए मैं रार को ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे यदि आप पासवर्ड सेट करना चाहते तो आप सेट पार्ट में पासवर्ड पर क्लिक कर यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे और शो पासवर्ड कर लेंगे, देख लेंगे पासवर्ड सही है, उसके बाद ओके कर देंगे तो पासवर्ड हो जाएगा। तो मैं फिलहाल पासवर्ड सेट नहीं करूँगा, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हम ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए ये हमारा रार फाइल में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐड आ गए हैं। तो दोस्तों इसको हम बैक कर देते हैं और देखिए दोस्तों, यहाँ जीप में कन्वर्ट हो गया माई इमेज रार। देखिए दोस्तों, ये फोल्डर जीप में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए तीन इमेज जो मेरे थे, वो चार इमेज जो है वो जीप में कन्वर्ट हो गया है। अब ये फोल्डर को आप कहीं सेंड कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर ये होता है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी चीज़ को हमें सेंड करना पड़ता है, तो उसको एक एक करके सेंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो रार फाइल में 1000-2000 भी फोल्डर को ऐड करके उसको रार फाइल में कन्वर्ट करके आप सेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।